नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोजाना खाना में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं दोस्तों होली स्पेशल में बनाने जा रही हूँ सूजी का दही भल्ला। तो सूजी का दही भल्ला बनाने के लिए हम लिए हैं 1 बाउल सूजी, और इसी बाउल से हम नाप कर 3 बाउल दही लिए हैं फेटा हुआ। ये देखिए दोस्तों, हम 2 जगह दही लिए हैं। तो ये दही में हम बड़ा में सर्व करेंगे। तो ये देखिए, ये दही को हम फेट लिए हैं, इस तरह से गाढ़ा होना चाहिए। एक कढ़ाई ले लेंगे दोस्तों, और गैस को ऑन कर लेंगे और कढ़ाई को जला देंगे, और इसमें डालेंगे हम सूजी। सूजी का हमें ड्राई रोस्ट करना है मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट तक। ये देखिए दोस्तों, हम 2 मिनट तक सूजी को भून लिए हैं। अब इसमें हम फेटा हुआ दही डाल के इसे मिलाएंगे। ये देखिए, धीरे धीरे दही डाल के हम इसे चारों तरफ से मिलाते जाएंगे। इसे अच्छे तरह से मिक्स कर लेना है दोस्तों, और इसे हमें पका लेना है 2 से 3 मिनट तक सूजी को। और ये देखिए दोस्तों, हमारा सूजी ड्राई हो गया है। इसे सुखा लेना है, एक डो के हिसाब से बनाना है, जैसा डो होता है उसी हिसाब से बनाना है इसे। और इसमें हम दही इसलिए डालें दोस्तों कि हमारा दही बड़ा में खट्टापन आ जाए। 3 मिनट पकाने के बाद ये देखिए दोस्तों, हमारा बिल्कुल डो तैयार हो गया है। हम गैस को ऑफ कर लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, सूजी हमारा ठंडा हो चुका है। तो इसमें हम हींग डाल लेंगे, और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, और थोड़ा सा हरा मिर्च डालेंगे स्पाइसी बनाने के लिए बड़ा को। ये देखिए दोस्तों, हम एक कढ़ाई में तेल गरम करने को चढ़ा दिए हैं, और एक तरफ हम तड़का तैयार कर रहे हैं। एक तरफ हम तड़का तैयार कर रहे हैं दोस्तों। तो इसमें हम पहले डालेंगे जीरा और लाल मिर्च और कड़ी पत्ता। हमारा कड़ी पत्ता और मिर्च फ्राई हो चुका है दोस्तों। तो हम गैस को ऑफ कर देते हैं, तड़का तैयार है हमारा। ये जो दही हम फेट कर रखे हैं दोस्तों, इसी दही में डाल लेंगे सावधानी से, और ढक देंगे, और दही में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और मिक्स कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हम कटोरी में पानी ले लिए हैं। पानी में हाथ को थोड़ा सा गीला कर लेंगे, और जो डो बना के रखे हैं उसमें से दोस्तों इसे हम गोल कर लेंगे सूजी का डो को। ये देखिए इस तरह से, और इस तरह से हम इसे गोल करके दोस्तों और यहाँ पर रखेंगे, और बीच में एक होल कर देंगे। ये देखिए इस तरह से, और इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। इसी तरह से हम दोस्तों दूसरा बनाएंगे। हाथ को पानी से चिकना करेंगे, और डो को गोल बनाते हुए। ये देखिए बहुत ही आसान है इसे बड़ा बनाना। और ये उंगलियों के, ये देखिए दोस्तों, ये दोनों उंगलियों को बीच में रख के ऐसे हम होल बनाएंगे, और फिर हम डाल लेंगे कढ़ाई में। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हम कर रहे हैं और होल कर ले रहे हैं। यहाँ पे भी आप बना सकते हैं, और कढ़ाई में सावधानी से डाल दे रहे हैं। अब बड़ा को हम मीडियम फ्लेम पर तलेंगे दोस्तों, कि हमारा बड़ा बिल्कुल क्रिस्पी बने। और थोड़ा सा हम बड़ा को हिला लेंगे इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, हम दोनों साइड से अलट पलट के बड़ा को तल लिए हैं। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है बड़ा हमारा। तो इसे हम इस तरह से निकाल लेंगे, हिलाकर निकालेंगे, तेल चला जाएगा कढ़ाई में, उसके बाद हम प्लेट में रख लेंगे। इसी तरह से दोस्तों हम सारा बड़ा को तल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हम सारा बड़ा को तल लिए हैं। 150 ग्राम सूजी में हमारा इतना बड़ा बना है। ये देखिए दोस्तों, हम दही में ना जो बना कर रखे थे तड़का डाल के, और इसी में हम डाल दिए बड़ा को। बहुत ही स्पंजी बड़ा बना है हमारा, और मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारा सूजी का दही बड़ा बन के रेडी है, जो कि बहुत जल्द बन जाता है। आपके घर अगर गेस्ट आ रहे हैं दोस्तों, तो फटाफट आप इसे 10 मिनट में बना सकते हैं दही भल्ला, और बहुत ही क्रिस्पी। मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए दोस्तों, मैं इसको तोड़ के दिखा रही हूँ कितना क्रिस्पी बना है। ये देखिए, ऊपर से क्रिस्पी, नीचे से स्पंजी है, बहुत ही अच्छा बनता है। और ये उड़द की दाल से भी अच्छा टेस्टी बनता है दोस्तों। उड़द का दाल का हम दही बड़ा बना चुके हैं दोस्तों, हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं उसे भी।
तो आप भी होली पे बनाए दोस्तों, अपने गेस्ट को खिलाएं, और पसंद आने पे हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बहुत ही जल्द बनने वाली रेसिपी है दोस्तों, और बहुत ही मजेदार। तो आप भी इंजॉय कीजिए। हैप्पी होली दोस्तों आप सभी को। अब मिलते हैं हम आपसे नई रेसिपी के साथ। थैंक यू दोस्तों।